जय भीम। जय भीम का नारा हो क्या रहा है? जय हिंद का नारा है सर, जय भीम का नारा है। देश के करोड़ों लोगों को आत्मसम्मान और आत्मगौरव का एहसास दिलाने वाले इस जय भीम शब्द की एक खासियत है। आखिर ये जय भीम शब्द है क्या, किसने दिया और इसने सामाजिक क्रांति में बदलाव लाने में क्या योगदान दिया? जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों। इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों, जय भीम शब्द इस देश में मनुवाद को खत्म करने वाली वो क्रांतिकारी आवाज थी, जिसने हजारों सालों की गुलामियों में जकड़े हुए बहुजन समाज को एक ऐसी ऊर्जा दी और एक ऐसी सोच व्यक्त करने के लिए उत्साहित किया और एक ऐसी क्रांतिकारी आवाज उठाने के लिए उन्हें अग्रसित किया, उन्हें ऊर्जावान बनाया कि उन्होंने समूचे भारत की धरती पर इस जय भीम के नारे के द्वारा ही अपने लोगों में एकता और अखंडता, भाईचारा, प्रेम सौहार्द और अपने अधिकारों से लड़ने के लिए एक नई चेतना जागृत करी। जय भीम का नारा सबसे पहले अंबेडकर आंदोलनों में भाग लेने वाले एक क्रांतिकारी, एक अंबेडकरवादी शख्स बाबू हरदास एलएनजी ने 1935 में दिया। बाबू हरदास सेंट्रल प्रोविंस बरार परिषद के विधायक थे और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का पालन करने वाले कार्यकर्ता थे। नासिक के कालाराम मंदिर में लड़ाई, चावदार झील के सत्याग्रह के कारण डॉक्टर अंबेडकर का नाम हर घर में पहुंच चुका था। इसके बाद महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर ने जिन दलित नेताओं को आगे बढ़ाया, बाबू हरदास जी उनमें से एक थे। रामचंद्र क्षीर सागर की पुस्तक दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर्स में दर्ज है कि बाबू हरदास ने सबसे पहले जय भीम का नारा दिया था। गुंडागर्दी करने वाले असामाजिक तत्वों को नियंत्रण में लाने और समानता के विचारों को हर गांव में फैलाने के लिए अंबेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी और बाबू हरदास जी समता सैनिक दल के सेक्रेटरी भी थे। अब बात करते हैं जय भीम का नारा कैसे अस्तित्व में आया। तो इस सवाल के जवाब में दलित पैंथर के सह संस्थापक जेबी पवार कहते हैं कि बाबू हरदास ने कमाठी और नागपुर क्षेत्र से कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनाया था। उन्होंने इस बल के स्वयं सेवकों को नमस्कार, राम राम या जोहर माई बाप की जगह जय भीम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करने और जवाब देने के लिए कहा था। पवार सर बताते हैं कि उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि जय भीम के जवाब में बाल भीम कहा जाना चाहिए, जैसे मुसलमान सलाम वालेकुम का जवाब देते समय वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, उनका बनाया रास्ता आदर्श बन जाता है। और जय भीम शब्द का नाम देने वाले बाबू हरदास जी का जब निधन हुआ था तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मेरा दाहिना हाथ इस संसार से चला गया। जय भीम अंबेडकरवादियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक अभिवादन वाक्यांश है, खासकर उन लोगों द्वारा जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की प्रेरणा से अपने को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। जय भीम का अर्थ है भीम की जीत हो या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद। इस धार्मिक वाक्यांश के रूप में भी इसको मान्यता मिलती जा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, वामपंथियों, उदारवादी लोगों द्वारा इस अभिवादन का एक शब्द के रूप में और भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान के प्रतीकों के रूप में जय भीम शब्द को जाना जाता है। कवि बिहारी लाल हरिद ने जय भीम का प्रयोग करते हुए पहली बार कविता के माध्यम से
सन 1946 में दिल्ली में बोले थे कविता के बोल, जिसमें कहा था, नवयुवक कौम के जुट जावे, सब मिलकर कौम परस्ती में, जय भीम का नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती में, जय भीम का नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती में, जय भीम जय भीम जय भीम।